ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका वाईफाई सिर्फ इसलिए सिक्योर है क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि वीक पासवर्ड वाला वाईफाई बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। अगर पासवर्ड इजीली गेस हो सकता है तो पूरा नेटवर्क वल्नरेबल हो जाता है। आज मैं आपको सिंपल वे में समझाऊंगा कि वाईफाई पासवर्ड हैकिंग प्रैक्टिकली कैसे वर्क करती है, ताकि आप अपने नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग बना सकें। जब तक हम अटैक को समझेंगे नहीं, तब तक उससे बचाव भी पॉसिबल नहीं होगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए है। इन टेक्निक्स को सिर्फ अपने ही नेटवर्क टेस्टिंग के लिए यूज करें। अनऑथराइज्ड एक्सेस इल्लीगल है। जो डेमो में दिखाने वाला हूँ वो मेरे खुद के कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट में परफॉर्म किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं। वाईफाई सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है: मॉनिटर मोड या पैकेट इंजेक्शन सपोर्ट वाला वाईफाई अडैप्टर, काली लिनक्स के वायरलेस टूल्स, पासवर्ड वर्ड लिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ आपके खुद के नेटवर्क टेस्टिंग के लिए है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिक्योरिटी टेस्ट प्रैक्टिकली कैसे होता है। सबसे पहले अडैप्टर को मॉनिटर मोड में इनेबल करते हैं। अब हम आसपास के वाईफाई नेटवर्क स्कैन करेंगे। ये देखिए, सारे नियर बाय वाईफाई नेटवर्क शो हो चुके हैं। मैं यहाँ एयरटेल वाईफाई को एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट करता हूँ। ये मेरा टेस्ट नेटवर्क है। अब हमें इस नेटवर्क का WPA हैंडशेक कैप्चर करना है। हैंडशेक वो इनक्रिप्टेड फाइल है जिसमें वाईफाई ऑथेंटिकेशन की जानकारी होती है। नॉर्मली हैंडशेक तभी मिलता है जब कोई डिवाइस कनेक्ट या रीकनेक्ट होता है। अनऑथराइज्ड वाईफाई जैमिंग या इंटरफेरेंस इल्लीगल है, इसलिए ये सिर्फ अपने खुद के नेटवर्क पर ही अलाउड है। मैं अपने नेटवर्क पर डी ऑथेंटिकेशन टेस्ट करता हूँ ताकि हैंडशेक जल्दी कैप्चर हो जाए। जैसे ही डिवाइस रिकनेक्ट हुआ, हैंडशेक कैप्चर कंप्लीटेड। अब हमारे पास एनक्रिप्टेड हैंडशेक फाइल है। डिक्रिप्शन तभी पॉसिबल है अगर पासवर्ड वीक है। अगर वर्ड लिस्ट में पासवर्ड मैच हो तो क्रैक हो जाएगा। अगर पासवर्ड स्ट्रांग है, प्रोसेस फेल हो जाएगी या सालों लग सकते हैं। मोस्ट घरों और छोटे बिजनेसेस में अभी भी WPA2 ही चलता है। वीक पासवर्ड होने पर WPA2 वल्नरेबल हो जाता है। अगर आपका डिवाइस सपोर्ट करता है तो WPA3 पर स्विच करना बेस्ट सिक्योरिटी है। WPA3 में हैंडशेक कैप्चर करना बेहद मुश्किल है और ऑफलाइन क्रैकिंग रोक देता है। यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन टिप्स हैं सिक्योर रहने के लिए। 12 से 16 कैरेक्टर्स का कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें। WPA3 मोड इनेबल करें अगर राउटर सपोर्ट करता है। राउटर फर्मवेयर अपडेट रखें। इन सिंपल स्टेप से आपका वाईफाई प्रैक्टिकली अनब्रेकेबल बन जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि वाईफाई सिक्योरिटी रियल में कैसे काम करती है और वीक पासवर्ड कितना बड़ा रिस्क है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और पावरफुल साइबर सिक्योरिटी ट्रिक के साथ। स्टे सेफ।